आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ चाइनीज फर्म्स के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से कुछ चाइनीज फर्म्स के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है और इसके पीछे कारण बताया गया है कि इनकी तरफ से पाकिस्तान को प्रतिबंधित चीजें दी गई हैं। और यहाँ पर जिन प्रतिबंधित चीजों के बारे में बातचीत की जा रही है वो बेसिकली मिसाइल सिस्टम में यूज की जाती हैं, जिसकी मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च किए जाते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की जो शाहीन, गौरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो बेसिकली चाइना की मदद से बनाई गई हैं और उसके लिए चीजें भी चाइना ने सप्लाई की हैं। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था जहां पर मैंने कहा था कि कुछ पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम बेसिकली चाइना से एक्वायर की गई मिसाइल सिस्टम्स हैं, जिनको पाकिस्तान में हरा पेंट किया गया है। आमतौर पर मैं पर्सनली इतना ओपन होकर नहीं बोलता हूं, क्योंकि अगर चाइना की तरफ से पाकिस्तान को पूरी मिसाइल टेक्नोलॉजी दी भी जाती है और इन मिसाइल सिस्टम्स को बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स और टूल्स लगते हैं वो भी सप्लाई कर दिए जाते हैं, तब भी मिसाइल सिस्टम को बनाना एक डिफिकल्ट टास्क है, स्पेशली एक ऐसे देश के लिए जहां पर केवल 4% लोग हायर सेकेंडरी की पढ़ाई करते हैं। जी हाँ, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिपोर्ट है और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अकेडमी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यानी कि AEPAM, ये एक एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंडर आता है और इनकी इस रिपोर्ट के हिसाब से केवल 4.1% लोग हायर सेकेंडरी में एनरोल करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ये एनरोलमेंट की फिगर है। और ऐसे में अगर चाइना की तरफ से उनको ब्लूप्रिंट्स, इक्विपमेंट्स, मशीनिंग टूल्स सब कुछ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, उसके बाद भी इन मिसाइल सिस्टम्स को बनाना एक बड़ा टास्क है। देखिए, 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो किया था वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस समय पाकिस्तान के पास में किस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स हैं और इनकी क्या क्या क्षमताएं हैं। इसके अलावा मैंने इस वीडियो के दौरान ये भी एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान की तरफ से चाइना से जब M11 मिसाइल सिस्टम अक्वायर की गई थी तब उनकी आर्म फोर्सेस को बेसिकली पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स मिले थे, क्योंकि उससे पहले जो सिस्टम्स मिले थे वो सूडो बैलिस्टिक या फिर क्वासाई बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स थे, या आप कह सकते हैं कि गाइडेड रॉकेट्स थे। देखिए, पाकिस्तान के आर्सेनल में जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स और घोरी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स। शाहीन बेसिकली सॉलिड फ्यूल वाली सिस्टम है, वहीं पर घोरी में लिक्विड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो शाहीन बेसिकली चाइना से निकल कर आई है और घोरी नॉर्थ कोरिया से, और नॉर्थ कोरिया को भी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स काफी हद तक चाइना द्वारा प्रोवाइड की गई थी। यानी कि इन दोनों तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी, ब्लूप्रिंट्स, टूलिंग, मशीन्स सारा कुछ चाइना की मदद से मिल सकता है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से चाइनीज फर्म्स के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वो इस चीज को पूरी तरीके से एक्सपोज कर देता है। और अगर आप इन 3 चाइनीज फर्म्स के नाम और काम देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि पूरी तरीके से इन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को काफी हद तक चाइना में बनाकर पाकिस्तान में केवल पेंट करने के लिए भेजा गया था। इन 3 कंपनीज में से पहली कंपनी है जनरल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और इनकी तरफ से ब्रेजिंग मटेरियल सप्लाई किए जाते हैं। किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इस मटेरियल का प्रयोग करते हुए आप बैलिस्टिक मिसाइल के रॉकेट और उसके इंजन को कनेक्ट करते हैं, साथ ही इसका कम्बशन चैम्बर भी इसी मटेरियल की मदद से बनता है। वहीं अगर दूसरी कंपनी की बात की जाए तो इसका नाम है बीजिंग लोलो टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली मशीनिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है, यानी कि जो कंपोनेंट्स पाकिस्तान में बन सकते हैं उनको बनाने के लिए ये मशीन्स प्रोवाइड करती है। यानी कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकली लो एंड मेटालिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनको पाकिस्तान में बनाया जा सकता है, जिसका प्रयोग दूसरी मिसाइल सिस्टम्स में भी किया जा सकता है। लेकिन अगर हाई एंड कस्टमाइज चीजों की बात की जाए, जैसे कि डी ग्लास फाइबर हो, क्वार्ट्ज फैब्रिक हो या हाई एंड सिलिका क्लॉथ हो, ये सब चीजें तीसरी फर्म द्वारा बनाई जाती हैं और ये फर्म है चैंगजाओ यूटेक कॉम्पोजिट लिमिटेड, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इसको भी सैंक्शन किया गया है। वैसे अभी तक चाइना की तरफ से इसको लेकर किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं दिया गया है और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि चाइना इसको लेकर कैसे रिएक्ट करती है।